आप मुझे बागमती न्यूज पर देख रहे हैं। मैं हूं दिनेश सहनी आजाद गांधी। आज गायघाट प्रखंड कार्यालय के पास कर्पूरी भवन में सामाजिक कार्यकर्ता समाजवादी चिंतक रंजीव के लिए एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई। बता दें कि कुछ दिन पहले उनका देहांत हो गया और वो नदी विशेषज्ञ थे और समाजवादी चिंतक थे। उनकी याद में यह शोक सभा रखी गई। इसमें बहुत लोग पहुंचे, जिसमें माले नेता धीरेंद्र झा और सूरज कुमार सिंह वगैरह पहुंचे और जितेंद्र यादव जो कि माले के नेता है और बागमती संघर्ष मोर्चा के संयोजक हैं, वो कार्यक्रम को संचालित कर रहे थे। इसमें बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे और गायघाट आसपास में जो भी हैं वो सब पहुंचे थे। सुनिए कुछ बातें। बागमती संघर्ष मोर्चा जिन्होंने अब तक सफलता हासिल किया है 2012 से आज तक, जो अविनाशकारी बांध रुका हुआ है, यह देव हम सभी बागमती संघर्ष मोर्चा के साथी का है। और हम लोग जो अनिल प्रकाश जी हैं, रंजीत जी हैं, ऐसे लोग जो लोग प्रेरित करते रहे, उनकी बदौलत हुआ है। तो आज हम लोगों को जरूरत है, हम लोगों को यही चेष्टा होनी चाहिए कि हम लोग उनके राह के राही बनकर और आगे भी, जब तक यह सफलता हम लोगों को नहीं मिल जाए, जब तक चाहे वह किसी भी सरकार हो, अगर उनकी बहरी बनकर बैठी रहेगी, जब तक उसमें हम लोग सफलता नहीं हासिल करते, तब तक अपने मनुष्य जीवन के लिए, अपने समाज के लिए लड़ते रहेंगे। यही करके अपनी मानी कोई शौक नहीं, खाने का थी। हम तो उस अवस्था में देख रहे हैं, जिस अवस्था में, जिस समय 12 में पूरा टाइम योगा करते थे, 4-3 बजे सावन होते थे योगा करते, और पूरा कम से कम 5 किलोमीटर का हलते थे, दौड़ते थे। ऐसे महान आत्मा भगवान उनको आत्मा को शांति दे। प्रयत्न और मेहनत के कल्याण भी लगाते रहे और अंत को अपने प्राण की आहुति जमाने के लिए देखें, जो अतुलनीय क्षति हम लोगों को हुआ, चाहे वो भरपाई होना मुश्किल है, इसलिए क्योंकि होता क्या है कि कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है। हम लोग राजनीति पे काम करते हैं तो हम लोग नदियों के बारे में कम सोचते हैं, कोई एकेडमिक्स में काम करते हैं तो पॉलिटिक्स के बारे में कम सोचते हैं। लेकिन रंजीत जी को हमने देखा, कभी देखा कि इस दौर में पूरी दुनिया में या भारत में जो दक्षिण पंथी जो एक उभार का दौर आया और भारत में फांसीवाद का खतरा जिस रूप में सामने आया, रंजीत जी हम लोगों के साथ उस सोच को प्रखरता के साथ शेयर करें। नदी तालाब बचाने की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। प्रकृति को बचाने की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। मानव सृष्टि को बचाने की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। साथी को कुमार मिश्र, IIT खड़गपुर से इंजीनियर हूँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यावरणविद और नदी विशेषज्ञ, दर्जनों किताब हूँ। तो इन सबका जो जरूरत है वो दिनेश कुमार जी से। तो 87 के बाढ़ में इन लोगों का एक टीम बना, उसमें दिनेश कुमार मिस सतनारायण आए, रंजीव, ये तीनों अपवाए, 5 में से 3 जो है वो आए थे। नदी पर और बहुत सारी बातें उनके परिवार के बारे में जितेंद्र बता चुके हैं, तो उसको रिपीट करना। इसके अलावा जो उनका था लक्ष्मणपुर बात है, नरसंहार हुआ, तो उसमें उस समय हम पटना में रहते थे, एक ऑर्गेनाइजेशन था इंसाफ, उसके साथ, तो उसमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। उससे पहले कॉमरेड सिवान में चंद्रशेखर, सिवान में कॉमरेड चंद्रशेखर की हत्या,
उसमें जेएनयू के प्रोफेसर, जामिया मिलिया के प्रोफेसर आए थे, तो उस समय भी इन्होंने बहुत मदद किया था। और पटना या बिहार में चाहे वो दलित का सवाल हो, महिला का सवाल हो, बच्चा का सवाल हो, पर्यावरण का सवाल हो, इन सारे जन सरोकार के मुद्दों पर ये हमेशा तैयार रहते थे, ये हमेशा उसमें सहयोग करते थे। मिजाज उनका कबीराहा था, मस्त मौला, एकदम स्पष्टवादी, दुर्भाषा बोली की तरह तुरंत वो क्रोधित भी हो जाते थे, तो ये इनका मिजाज था। यही मिजाज के कारण वो एक जो सामान्य जीवन जो हम जीते हैं उससे थोड़ा उनका अलग इसी मिजाज, तो हम इस मिजाज को सम्मान करते हैं क्योंकि यही मिजाज के कारण वो रणजीत बने। रणजीत करीब एक डेढ़ दो महीना दरभंगा में रहे, अभी वो जब वो समाप्त हुए ना उससे पहले 2 महीना, तो हम लोगों ने एक प्लानिंग किया था। वो प्लानिंग ये थी कि ये नदी और तटबंध जब हम बोलते हैं तो इसका क्या मतलब, आप मुझे नहीं पता राजा जनक हुए कि नहीं हुए, सीता हुई कि नहीं हुई, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ बड़े फिलोसफर जो दार्शनिक जो राजा जनक के दरबार में थे उनकी किताब तो उपलब्ध है, याज्ञवल्क्य की संहिता उपलब्ध है, अष्टावक्र गीता उपलब्ध है, राजा जनक के दरबार में थे, तो आप ऐसे देखेंगे कि ये जो तिरहुत इलाका है गंगा से इस तरफ ये बड़े संपन्न इलाका हुआ करता था अंग्रेज के समय तक। अगर पूरे देश में 50-51 शुगर फैक्ट्री थी तो उसमें से 13-14 जो है इस उत्तरी बिहार में, तो अब सोच लीजिए कि पूरे देश में 50-51 और उसमें अंग्रेजों का कृषि आधारित सबसे बड़ा इनकम देने वाला यह क्षेत्र था। एक बार हम लोग खेत में जोतते थे हल, धान लगाते थे, दुर्गा पूजा के समय में उस खेत में हम चना, मसूर, तिलहन, सरसों, खेसारी ये सब छींट देते थे। एक बार खेत तैयार किए, दूसरा फसल तैयार हो रहा है 3-4 तरह के, एक पिता ऊपर से काटते थे दूसरा फसल, एक फसल लेने में पंजाब हरियाणा को एड़ी चोटी की मेहनत करनी पड़ती थी, और हम एक बार खेत तैयार कर देते थे तो साल भर फसल लेते थे। ये हमारा यहाँ का नदी और मिट्टी के कारण था। हम जब बरसात के समय में जब पटना जाते हैं तो दोनों तरफ समुद्र जैसे दिखाई पड़ता है, तो ये 3 फसला जमीन था, यहाँ बहुत संपन्न इलाका ये सब हुआ करता था, अब समुद्र की तरह जो है, तो ये जो आप समुद्र की तरह देखते हैं इसको पर्यावरण की भाषा में कहते हैं इकोलॉजिकल डिजास्टर, पारिस्थितिकी जो है आपदा है ये, और इस पारिस्थितिकी आपदा के कारण आप देखेंगे तो सीधा सीधी इसका हमारे लाइवलीहुड, हमारे जो खेती किसानी है उस पर पड़ा है, हमारे सामाजिक सरोकार और संबंध पर पड़ा है, कई चौतरफा पड़ा है। इस इलाके में अब 25-30 वैरायटी के प्लांट अब जिंदा नहीं रहते हैं, ये असर हुआ है, तो कई तरह के चिड़िया का नाम इन्होंने बताया ही है, तो जब ये सब चीज़ें दम तोड़ देंगे तो निश्चित रूप से हम लोग के लिए भी खतरा होगा। इस संदर्भ में रणजीत सोचते थे, वो जो तटबंध और नदी की बात करते हैं उसको इतने व्यापक अर्थों में वो सोचते थे, और उन्होंने कहा था कि नारायण जी बरसात के बाद हम लोग एक स्टडी करेंगे इकोलॉजिकल डिजास्टर पर, और उसको लेकर के हम लोग जुडिशियरी लेवल पर इसको उठाएंगे। कौन लड़ेगा?